हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद सुषमा। आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। गर्मियों का मौसम है, कोल्ड कॉफ़ी पीने में इस समय बहुत मज़ा आती है, तो आइए शुरू करते हैं कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम बनाना। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कॉफ़ी पाउडर ले लिया है, हाफ टेबल स्पून, एक चम्मच के लगभग। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, 2 टेबल स्पून के लगभग ऐड कर देंगे और उसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी कॉफ़ी में फोम अच्छा आता है, तो उसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे ये कॉफ़ी वाला वाटर, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध मैंने इसमें 2.5 कप लिया है, लगभग 2 गिलास होगा नॉर्मल जो ग्लास आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा शुगर रख सकते हैं। अभी इसमें आइसक्रीम भी जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे आइस, इसलिए मैंने अभी इतना ही ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब आप अपने मन चाहे ठंडक के लिए ले सकते हैं, मैंने 8-10 इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास ले लिए हैं। अब हम इसको चॉकलेट सिरप से अंदर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ग्लास के अंदर तरफ चारों तरफ से लगा देंगे। किसी स्पून या डायरेक्ट आप किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसको ऐसे लगा दीजिए। ये देखने में बाद में बहुत सुंदर लगेगा, ये गार्निशिंग के लिए है और फ्लेवर भी आ जाएगा। ये मैंने 2 ग्लास तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी जो हमने अभी इसको ब्लेंड की थी। अभी मैंने 2 ग्लास में कॉफ़ी डाल दी है, जितनी भी आपको फिल करनी हो उतनी ले लीजिए। उसके अभी आइस क्यूब्स और फिर से हम आइसक्रीम ऐड करेंगे तो फिर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम ऐड कर दी है, एक एक स्कूप दोनों में मैंने डाला है। आइसक्रीम से इसका टेस्ट और बढ़ेगा। ये देखिए दोनों में मैंने सर्व कर लिया आइसक्रीम भी। अब ऊपर से हम थोड़ा सा जो फोम आ जाता है कॉफ़ी फेंटने पे वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देख सकते हो ये फोम जार में नीचे रह गया है, तो ये मैं दोनों में ऐड कर ले रही हूँ। इससे पीने में भी टेस्ट आएगा और ऊपर से देखने में तो अच्छा लगेगा ही। हर्षी सिरप से मैं थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा सिरप और ऊपर से डाल दिया है। अब ये दोनों ग्लास रेडी हैं सर्व करने के लिए, तो फटाफट कॉफ़ी बनाइए ठंडी ठंडी और मज़ा लीजिए। अभी मैंने यहाँ पर 2 ही ग्लास रेडी किए हैं, लेकिन अभी हम जो हमने क्वांटिटी बनाई थी उसमें 1 ग्लास हम और सर्व कर सकते हैं, तो ये टोटल 3 सर्विंग है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।